आज हम जिस युग में जी रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जरूरी चीज होती है सेमीकंडक्टर चिप। आप मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शरीर है तो चिप उसका दिल है। सेमीकंडक्टर का काम तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर देना होता है। सेमीकंडक्टर कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस वायरलेस नेटवर्क, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, रोबोट, ड्रोन, गेम और यहां तक कि 5G में भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल गाड़ियों, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, ATM, डिफेंस में मिसाइल, एयरक्राफ्ट, घर में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज, वॉशिंग मशीन में भी होता है। यानी देखा जाए तो सेमीकंडक्टर चिप के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आज के समय किसी कबाड़ से कम नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप ताइवान बनाता है। सेमीकंडक्टर चिप में ताइवान का शेयर 63% है। फिर उसके बाद साउथ कोरिया, US, जापान और चाइना का नंबर आता है। हर साल 1 ट्रिलियन चिप मैन्युफैक्चर होती है, 130 चिप पर पर्सन। पर पिछले 1.5 साल से हमें ये देखने को मिल रहा है कि पैंडेमिक के कारण दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हो गई है, जिससे ग्लोबली बहुत सी कंपनीज को लॉस हो रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में चिप की शॉर्टेज और बढ़ सकती है। अब इससे चिप की डिमांड ग्लोबली बहुत ही बढ़ती जा रही है, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में 76,000 करोड़ रुपए, लगभग $10 बिलियन की PLI स्कीम लॉन्च कर दी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लाई गई 76,000 करोड़ की PLI स्कीम के बारे में। जानेंगे इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS Excel सीखना है तो मैं आपको ₹1,475 का कोर्स फ्री में दे सकता हूं। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको ₹4,720 का कोर्स फ्री में दे सकता हूं। दोनों कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखो, ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 20 सालों में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड मिस कर दिया है। पर कई सालों के बाद भारत अब जाग चुका है और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत को भी अब पता चल चुका है कि अगर उसे भी बाकी देशों की तरह ग्रो करना है तो उसे सबसे पहले अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस समय ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट $2 ट्रिलियन से ज्यादा का हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में भारत का शेयर 2012 में सिर्फ 1.3% था, पर 2019 आते आते ये 3.6% हो गया है। भारत की GDP में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.7% है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में 13 मिलियन लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब करते हैं। पर पिछले 7 सालों में ये देखने को मिला है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के राजीव चंद्रशेखर ने पब्लिक अफेयर फोरम ऑफ इंडिया PAFI के इवेंट में बताया था कि जहां 2014-15 में भारत में 1.8 लाख करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हुआ था, वहीं 2019 में भारत में 5.5 लाख करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन हुआ था। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, जहां 2018 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $8.8 बिलियन था, वहीं 2020 में यह बढ़कर $13.5 बिलियन हो गया था। पर एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट भी बढ़ा है। 2020 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट $42.9 बिलियन था, जिसमें से $24 बिलियन भारत ने सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट किया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर होती है। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट $24 बिलियन का है, जो 2025 तक $100 बिलियन का हो जाएगा। तो अगर भारत ने जल्दी ही सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं दिया तो भारत ये गोल्डन पीरियड भी मिस कर देगा, और इसके अलावा भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में PLI स्कीम लॉन्च की है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पिछले 2-3 सालों में भारत सरकार ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में 100% FDI को अलाउ कर दिया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने PLI स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत जो भी कंपनी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसे सरकार की तरफ से 4-6% इंसेंटिव मिलेगा। इस स्कीम के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार ने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर SPECS भी अनाउंस की है। सरकार ने इस स्कीम के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा भारत सरकार ने
ने आईटी हार्डवेयर के लिए भी पीएलआई स्कीम लॉन्च की है और इसके लिए भारत सरकार ने 7,325 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और अब मोदी सरकार ने भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत 76,000 करोड़ रुपए लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर्स की मंजूरी दे दी है, जिससे भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ये स्कीम 6 साल के लिए वैलिड होगी, मतलब 6 साल में 76,000 करोड़ रुपए कंपनीज को इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे जो भारत में सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। भारत सरकार पीएलआई स्कीम के तहत कंपनीज को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% फिजिकल सपोर्ट देने को भी तैयार है। इसके अलावा भारत सरकार ने 85,000 हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स के लिए C2S चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम भी बनाया गया है। इस प्रोग्राम में इन इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन किया जाएगा। सेमीकंडक्टर में पीएलआई स्कीम लॉन्च करने के बाद अब तक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास 20 प्रपोजल सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामने आए हैं। अभी तो ये नंबर्स आपको और बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि भारत सरकार 31 मार्च 2022 तक प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। आपको कुछ बड़े नाम बता देता हूं जिन्होंने अभी इंटरेस्ट शो किया है। टाटा ने 300 से 400 मिलियन डॉलर्स सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लान बना लिया है। वेदांता ग्रुप कोरियन कंपनीज के साथ बात कर रही है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC जो ताइवान बेस्ड कंपनी है उससे भी भारत सरकार बात कर रही है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश शो कर रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सी प्राइवेट कंपनीज के साथ बात करना भी शुरू कर दिया है। यूपी में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट अलग से प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिव देने का प्लान भी बना रही है। अगर 2022 में बीजेपी यूपी इलेक्शन जीत जाती है तो आपको अलग से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव स्कीम देखने को मिल सकती है। देखो, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए हाई इन्वेस्टमेंट, हैवी मशीनरीज, हाई स्किल्ड वर्कफोर्स, प्रॉपर पावर सप्लाई, प्रॉपर रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। पर डे एक चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को 20 मिलियन लीटर्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर की जरूरत होती है और साथ में डस्ट फ्री एनवायरनमेंट भी जरूरी होता है। तो भारत में प्रॉपर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने में कम से कम 2-3 साल लगेगा, उसके बाद ही भारत में चिप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग से भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, इंडियन कंपनीज को फायदा होगा, उन्हें इतने बड़े मार्केट का एक्सेस अपने आप ही मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आएगी। अभी भारत सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है, उसके चलते भारत को सेमीकंडक्टर चिप महंगी पड़ती है, लेकिन जब भारत में सेमीकंडक्टर चिप बड़ी मात्रा में बनने लगेगी उससे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की प्राइस में गिरावट आएगी और साथ में क्वालिटी भी बेटर होगी। सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा और साथ में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। फ्यूचर की बात करें तो आने वाले कुछ सालों में ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के राजीव चंद्रशेखर ने एक इवेंट के दौरान बताया था कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2024-25 तक 300 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा 2025 तक भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की वैल्यू 100 बिलियन डॉलर्स की होगी। तो भारत ने पीएलआई स्कीम के थ्रू नेक्स्ट 20 ईयर्स का प्लान बनाया है क्योंकि 21st सेंचुरी चिप सेंचुरी होने वाली है। मेरे हिसाब से अगर भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फार्मा इंडस्ट्री की तरह ग्रो करेगा तो भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से ग्रो होगी। जिस तरह से भारत ने लो जेनेरिक मेडिसिन बना के ग्लोबल लेवल पे फार्मा मार्केट को कैप्चर किया है, उसी तरह भारत को सबसे पहले लो और मीडियम प्राइस के चिप को मैन्युफैक्चर करना होगा और ये भारत बहुत ही आराम से कर लेगा। भारत में लेबर कॉस्ट कम है, इसके अलावा गवर्नमेंट अब इंसेंटिव भी दे रही है, तो सेमीकंडक्टर कंपनीज के पास भारत में चिप मैन्युफैक्चर करना सस्ता पड़ेगा। तो भारत आराम से लो और मीडियम प्राइस के चिप मार्केट को कुछ सालों में ही कैप्चर कर सकता है, फिर उसके बाद भारत हाई प्राइस के सेमीकंडक्टर चिप बनाए। तो अगर भारत ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई तो भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।